क्या कहाँ जा रही हो? बाय 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 गुड मॉर्निंग। चलो ये तो रेडी होकर गई, अब बाहर थोड़ा ठंडी हवा चल रही है तो बच्चे तो यहाँ पर खूब एंजॉय कर रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर दिन रात इनका यहाँ पर सामने पार्क है, झूले लेने जाते हैं। नाश्ता हो गया? अब मेरे हस्बैंड तो अंदर रूम में बैठते नहीं, बस इधर ही बैठे हुए हैं। मैंने अभी थोड़ी देर सामने व्यू। वो ये देखो पहाड़ की बिल्लियाँ, पहाड़ी बिल्लियाँ, ये भी बहुत तेज होंगी यहाँ। और रात क्या बोल रहे थे, मामा कैसे दुपट्टा पहनते? हाँ मैं एक चीज बताता हूँ, ये रात का मामा को कह रहा था ना, मामा कहते फोटोज बनाओ, तो मामा ऐसे मुस्तफा ना इधर से खड़े हो जाए, यहाँ से साफ आए, रुको मुझे ना दुपट्टा ठीक कर लो। वो भी आए निकल, अच्छा दिखाना, अरे नहीं नहीं यहाँ से क्लीन नहीं आ रही, वहां से जाओ रुको ठीक करने दो। मम्मा का मजाक बनेगा। हाँ नाश्ता है, सबने नाश्ता कर लिया, एक आप बच गए। तो इतना खूबसूरत हमारी आंखों के सामने मंजर, यहाँ पर हमारा डिनर, यहाँ पर नाश्ता, सब यहीं पर होता है। आपका चाय पराठा खाओ ना, बिस्किट छोड़ दो पहले, मिस करोगे ना पहाड़ों के बीच में बैठ के चाय नाश्ता। हाँ जी बिल्कुल करूँगा। आज ऐसे ठंडी ठंडी तेज हवा चली हुई है, धूप तो सुबह निकली हुई है लेकिन ठंडी तेज हवा चली हुई, जैसे ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। जो मैं डेली बोलती हूँ ना कि वो पहाड़, वो जो बर्फ वाला पहाड़ है, वो बर्फ वाले पहाड़ की को बोलते हैं सिरिपाय, वहाँ पे हर टाइम बर्फ रहती है, सर्दी हो गर्मी हो। अभी हम 7,500 फीट की बुलंदी पर हैं और इससे 3,000 फीट और ऊपर जाएंगे तो हम वो व्हाइट वाले पहाड़ देखेंगे। यहाँ पे काफी लोगों ने ऊपर हट बने हुए, ये जो व्हाइट व्हाइट नहीं है, यहाँ पे भी छोटे छोटे से बने हुए, यहाँ पे भी लोग जाकर रहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा डर लगता है। जाते हैं वो देखो ऊपर, ये थोड़ा करीब से दिखाऊं, छोटे छोटे से आपको घर दिख रहे होंगे, कैंप बने हुए, बल्कि ये पूरा ऊपर बना ही पूरा बर्फीले पहाड़ पे, ऊपर बहुत ज्यादा ठंड भी है और पूरा बर्फ ही बर्फ है। खैर अब चलते हैं अपने रूम में, और मैंने आज निकाला है अपना ये रेड ड्रेस, साथ साथ इनका पेज भी मेंशन करना, ये भी प्रमोशन के लिए मुझे आया था, कितना टाइम हो गया टाइम नहीं मिला पहनने के लिए, ये मुझे आया था प्रमोशन के लिए, मैंने आपको दिखाया भी था। चलो यहाँ पर खूबसूरत जगह है, तो अब आज मैंने सोचा आज मैं इसको ये वाला पहनूंगी। आ गए घूम फिर के, आए कहाँ गई? तो यहाँ पर देखो कि ये ड्रेस मैंने भी चेंज कर ली है, और पहले बाद में मेकअप करेंगे, पहले जाती हूँ बाहर, तरबूज खा रहे हैं खत्म हो जाएंगे, पहले वो खा के आते हैं। मुस्तफा बस अम्मी अभी रह गया, सबको तैयार करा लिया आया, तो वो तैयबा ये बैठी है, तैयबा नेल कट कर रही हो, मैंने कहा कुछ खा रही है। ये बर्तन कहाँ से लाए? किचन। एक तो यहाँ पर ठंड, और ठंड में देखो कि हम सब जो है वाटरमेलन खा रहे हैं, हर जगह से पानी की ऐसी आवाज आ रही थी जैसे बारिश हो रही हो, तो चश्मे का पानी होता है, सब्जियाँ हर एक चीज इतना फ्रेश ताजा सब मिल रहा है ना इस पानी की वजह से। तो यूट्यूब फैमिली आप भी आओ हमारे साथ, जैसे अभी मेरा ड्रेस है वैसे ही हो गया, आप भी आओ हमारे साथ ठंडे ठंडे वाटरमेलन यहाँ पर सर्दी में, ये भी खाओ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। तो अभी मैं अपना मेकअप करने वाली हूँ, मोना एम्ब्रॉयडरी के नाम से इनका पेज है जहाँ से मुझे ये ड्रेस मिली है प्रमोशन के लिए, तो इंस्टाग्राम पे मैं इनको मेंशन कर दूंगी, और ज़रूर जाएगा इनका पेज विजिट कीजिएगा। अभी इसके साथ जल्दी से हल्का फुल्का मेकअप करते हैं और फिर घूमते फिरते हैं शुगरान को, और इंशाल्लाह फिर कल यहाँ से रवाना होना है, तकरीबन 2 दिन स्टे किया, कल तीसरा दिन होगा हमारा, तो बस आज जितना भी अच्छे से घूम फिर लेते हैं और थोड़ी बहुत इस ड्रेस के साथ रील्स भी बना लेती हूँ। और हाँ इसके अलावा आज मैंने लेंस भी डाली आईज में, और बिल्कुल भी पता नहीं चला आईज में लगाए मैंने, जैसे आंख से पानी आता है थोड़ा सा, ऐसे धुंधला कुछ भी नहीं, ऐसे आंख में ठंडक मिल रही है और बहुत ही अच्छी उसके हैं। मैं ना इंस्टाग्राम पे इनको भी साथ में मेंशन कर दूंगी, और हमेशा मैं इन्हीं के ही लेती हूँ, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत कंफर्टेबल है। जल्दी से अपना मेकअप करूंगी वरना बात ही करते करते टाइम इधर ही गुजर जाए, बाहर जाऊंगी ना बाहर सही से पता चलेगा। फिलहाल अभी मैं आपको थोड़ा बहुत ऐसे दिखा लेती हूँ, कहीं पे कलर इसका थोड़ा डार्क आता है तो इसमें मुझे लगा ये मुझे बहुत टाइट होगा, लेकिन सही आ गया। चलो ये यहाँ पे मेरा मेकअप होता है कंप्लीट, आप बताइएगा कैसा लग रहा है। अभी चलते हैं बाहर, रील्स बनाएंगे, पिक्चर अच्छी अच्छी क्लिक करेंगे, तो इंस्टाग्राम पर ही आप सबको देखने को मिलेंगी। इसके साथ अम्मी की पसंद के झुमके, अम्मी की पसंद की लिपस्टिक, लिपस्टिक मैं थोड़ा लाइट लगा रही थी कि ऑलरेडी ये रेड हो गया है, फिर थोड़ा मेकअप लेंस भी आज पहन लिया, तो तब मैं लिपस्टिक हल्की लगाती हूँ, आज अम्मी ने कहा नहीं रेड अच्छी लगेगी। ये रहे मेरे जूते, ये मैं यहाँ पहन तो नहीं सकती, लेकिन ये मैंने पिक्चर के लिए निकाले थे कि यहाँ पे पहाड़ों का रास्ता ही कुछ ऐसा है, हील जो है ना फिर इसके अंदर ही चली जाएगी, तो बस पिक्चर निकाल के वापस से अपने दूसरे वाले जूते ही पहन लूंगी। तैयार होकर आ गई अम्मी, थैला क्यों उठाई साथ में? इसमें टोपियां
बच्चों की हाँ। और गर्म शाल, रात को उसको सर्दी लग रही थी। चलो मैंने सारी रहती, सो जाती है ना हाँ, वहाँ जाते जाते मैं शाल उठाई और आज मैंने अमीन को गर्म कपड़े पहनाए थे, बस सबको नीचे से शर्टें पहनाई है। साहिबा भी साथ में अपनी हील लाई थी, अम्मी कहती है मुझे भी हील पहनाओ, ये कितने प्यारे लग रहे हैं बुलबुले। अम्मी रास्ता आगे ऐसा है ना, पार्क जाएंगे खेल नहीं पाएंगे, राइडिंग करेंगे, चलें चाचू। ये बुलबुल इतने प्यारे लग रहे हैं। चलो आ जाओ, हम चलते हैं आगे, देखो वो पार्क में कब से एंजॉय कर रहे हैं सब, और वहाँ भी पार्क में भी अच्छी अच्छी पिक्चर आएंगी। और रील जो है ना, मुस्तफ़ा ही कुछ बना सकते हैं, तैयबा को रील बनाना इतना अच्छे से आता नहीं है, मतलब उस पर प्रेस करके खड़े रहो ना तो तैयबा को नहीं बनाना आता, बनती है नहीं बनती। अभी चार का टाइम भी हो गया और अभी जो है ना चाय पीने का भी बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कि चलते हैं चाय पीते। अम्मी जूते तो चेंज किए नहीं, अब चल पाऊंगी? चलें बस, चलो अब चल। आज मैंने हील पहना हुआ है, लेकिन हील इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। फूल ऐसे रास्ते में आएगा सारा, देखते जाना। इस वाले फूल का कलर ज़्यादा पिंक है, प्यारा कलर है। ख्याल से चलिएगा, यहाँ से सीढ़ियाँ आगे। मम्मी ये इतना घना है ना, जैसे धनिया ना हो, एक के बिल्कुल जुड़ा हुआ है साथ में, ऐसे घना है बहुत। आराम से तैयबा, यहाँ पे देखो लोग आते हैं रात में, बारबेक्यू होता है, आग जलाते हैं। और हाँ ये वाला हाँ सितारा बना है मम्मी, सितारा और उसमें फूल सारे लगाए हुए हैं। मैं सितारा हूँ, फूलों वाला सितारा बना हुआ है। ये जो बर्फ वाले पहाड़ है ना, इनको सिरीपाय बोलते हैं, और ये यहाँ से 3000 फीट ना, 3000 फीट की बुलंदी पर है, जो कि इससे डेंजरस रास्ता है। हर कोई आ जा रहा है, वैसे हमें भी बोला गया कि आप जाओ तो ऊपर ले चलेंगे, लेकिन नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है बच्चों के साथ, तो मैंने कहा बस इतना आगे है। ये भी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, यही घूम फिर लें, ये भी बहुत है। मुल्खिया हाँ, ये वाला इसका सालन बनता है हाँ, ये नरम नहीं है, ये और चीज़ होगी अम्मी ये। और कल ये वाला होटल भी मैंने इस होटल सबसे पहले हम यहाँ पर आए थे, यहाँ पर अम्मी रेंट बता रहे थे 7500 एक रूम का, लेकिन व्यू बस नहीं है, बाकी अंदर से रूम तो साफ सुथरा अच्छा है। मामा जीप आ रही है, जीप। तो एक चीज का पता है हाँ। हमें उस साइड जाना पड़ेगा क्योंकि पापा वाले उस साइड से आए हैं। कौन सी साइड पर है? दूसरी साइड। ठीक है उधर चलते हैं। एक बात बताऊं, जो भी यहाँ से गुजर रहे हैं ना, सब देख रहे हैं, शायद उनको लगता है कोई नई नवेली दुल्हन है। साथ में सास ससुर जा रहे हैं और दुल्हन को घुमाने फिराने आए हुए हैं, हर कोई देख रहे हैं ना यहाँ पे। अभी वहाँ से गुजरे सब देख रहे थे, ऐसे कपड़े पहने हुए ना, कैसे सबको ऐसा लग रहा है। मिल गए, वो सामने मुस्तफा फुटबॉल खेल रहा है, पौधा बहुत प्यारा है, इसके साथ बनवाओ हाँ। हर फूल आज दिख रहा है ना, अम्मी कहती है इसके साथ भी पिक्चर लेना अम्मी को आज, मेरा साथ भी लेना। किसके साथ? वो नीचे वाला, ये नीचे वाला। अम्मी वहाँ पर आप बैठ जाओ ना आराम से, फिर मैं सारी पिक्चर क्लिक करूंगी। यहाँ पे भी एक सेंटर में भी खड़े होके अम्मी, वैसे जूते लग अच्छे रहे हैं, जूते अच्छे लग रहे हैं, बस अब यहाँ डर है कि ये खराब ना हो जाए। यहाँ पे यहाँ का व्यू देखो माशाल्लाह, हम शाम में हैं, शाम में यहाँ पर इतनी ठंड बढ़ जाती है। पापा सब कहते हैं मुस्तफ़ा व्लॉग में क्यों नहीं आता, आजकल मुस्तफ़ा व्लॉगिंग से गायब है, यहाँ पे एंजॉय कर रहा है, असल में मिलता ही नहीं है पार्क में, सारा दिन फुटबॉल झूले हॉर्स राइडिंग यही चल रहा है इनका। मुस्तफ़ा नहीं है, मैं उसके साथ खड़ी होकर पिक्चर बनाऊंगी, व्हाइट घोड़े के साथ बैठूंगी तो कभी। मुस्तफ़ा आयत आयत, मेरा बेबी एंजॉय कर रहा है, फिर से ले लिए और लिए इसने यहाँ हाँ, घूमते घूमते आ गए हाँ, आ गए सीधा सीधा ही आए, पता था हाँ, ये सामने तो पार्क है। बोल दी कैसे, क्या चाहिए? घोड़ा। एक मिनट आएगा, रुको रुको रुको, मामा बुलाती है उसको। पूरा तो व्हाइट घोड़ा होगा ना, उसके साथ मुझे पिक्चर खिंचवानी है, व्हाइट। आज मैंने वो रेड पहना हुआ ना, तो व्हाइट के साथ बहुत प्यारा लगेगा। चले पिक्चर तो खींचने देंगे ना, उसके भी पैसे लेते हैं। सब वहाँ पर देखो सिख फैमिली भी आई हुई है, यहाँ पर इतना छोटा क्यूट सा बच्चा है उनका, ठहरो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तैयबा का ये कलर ड्रेस का इतना प्यारा लग रहा है यहाँ ग्रीनरी में। हम अपनी बारी का वेट करते हैं यहाँ पे, देखो ये सब हाँ अम्मी कहाँ आयत का नाम क्या है? फतेह सिंह। फतेह सिंह, अच्छा आप इधर से ही हो? आप इधर से ही कराची से आए हो?
कर वीडियो बनानी है तो अभी हम देख रहे हैं, अभी सब हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं बच्चे, चलो हॉर्स राइडिंग कर लेंगे, उनके साथ पिक्चर बनाते हैं मुफ्त में, राइडिंग कर लिए पता नहीं कौन जा रहा था, उसके साथ ही चली गई। आ जाओ चले, आज ये भी हॉर्स है व्हाइट वाला, एक उस तरफ भी है, एक वो सामने, एक ये, इसे कहते हैं करीब आ जाएगा ना। अब ज्यादा बने, बस दो ही हैं। तैयबा एक मिनट, तैयबा की पहले मुझे पिक्चर लेने दे, यहाँ पे दोनों एक साथ बैठ सकते हैं। तैयबा इसको पकड़ के बैठना, फिर ख्याल से बैठना, मैं पिक्चर ले लूं फिर चले। सामने सामने देखना तैयबा, आप भी इस साइड पर देखो, हाँ ऐसे। 500 का कितनी देर घुमाएंगे, चलो बाय 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 बाय। बस ये छोटी का ख्याल रखना, बच्चे अपना सही एंजॉय कर रहे हैं। ये गए अभी साइड पर देखो, ये घूम फिर के आ भी गए। हाँ एंजॉय किया, एंजॉय हो रहा है, करो करो और एंजॉय करो। वो लो मुस्तफा, वो चला गया, एक मुस्तफा राइड ले रहा है, ये भी राइड ले रहे हैं। दिल भर गया आज तो, अच्छा खासा घूम के इतना बड़ा चक्कर लगा कर आए। रुक गया, नहीं चल रहा। चलो बच्चे चलो। इसके साथ हमने इतनी पिक्चर ली है, वीडियोस ली है, और ये मुझे नहीं नहीं कुछ नहीं कहता, करेगा तो नहीं ना, नहीं नहीं। अच्छा इतना अच्छा हॉर्स है ये, हम इसके साथ वॉक की और बहुत प्यारी इसके साथ पिक्चर रील्स बनाई है जी। ये देखो मेरी तरफ आ रही है, मुझे मारेगा। नहीं नहीं कुछ नहीं कहता। हाँ जी आ जाओ बैठना है, तो इतना ये अच्छा इस हाथ लगा लो, लगाओ अभी वो सारी बात दे रही है ना, वो तो चक्कर लगा दो। ठीक है बस आप इसको ले जाओ, ये बहुत अच्छा हॉर्स है, और इसके साथ हमने बच्चे भी आ गए, अच्छी पिक्चर लेंगे लो, आप ले लो इसको। बहुत मजा, इतनी अच्छी रील्स बनी, इतनी अच्छी वीडियो हमारी बनी इसके साथ। बच्चे सामने हॉर्स राइडिंग की है, मैंने नहीं की, मैंने बस इसके साथ वॉक की है। आपको एक ऐसा ले देते हैं, अभी आपने मेरी अपनी और पापा के साथ रील बनानी, आ जाओ इधर आ जाओ मुस्तफा। फाइनली हम जा रहे हैं, मेरी और मेरे हस्बैंड की रील एक साथ आने वाली है, जरूर देखिएगा मेरी और मेरे हस्बैंड के साथ की रील। यहाँ पे जो भी, एक बात बताऊँ, यहाँ पे जो भी मुझे देख रहे पता क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि ना ये दुल्हन है, बच्चों को बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं दुल्हन आई हुई। आ जाओ, ये वाला रास्ता देखो बहुत प्यारा लग रहा है, यहाँ रील बनानी, आ जाओ। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद। बस ये रास्ता इतना प्यारा, यहाँ पर बनेगी हमारी रील। तो मुझे फिर और क्या चाहिए, मेरी आवाज़ को इग्नोर करना, इस सॉन्ग पर हम बनाने वाले हैं रील, और आपने मुझे ज़रूर सपोर्ट करना है। आप सबकी क्या बोलते हैं, फरमाइश पर आने वाली है मेरे हस्बैंड के साथ रील, रेड ड्रेस के साथ। आज मेरे हस्बैंड ने बस ये जो ये जैकेट निकाल दो, या तो जैकेट कैसे लग रही है, अच्छी लग रही है, पकड़ ले मुझसे, वहाँ पे रख दो, वहाँ पे फिर इधर पहन लो, चलो जंगल में रख दी, वो रहा किसी को मिलेगा, वो वीडियोस बनाती है, गाइस देखो जंगल से हमें ये मिला। ऐसा लग रहा है पानी पड़ा है दूर से कोई दे। रील का आइडिया दो कि मतलब चलते हुए बनाए या कैसे बनाए, वहाँ से ना आपके पापा को एक्टिंग जितना सिखा लो ना कि आप मम्मा स्पाइडरमैन की तरह ना इन झाड़ियों के पीछे वहाँ पे जाली मार के आइएगा और फिर कहिएगा तू है तो मुझे क्या चाहिए। बीच में उधर चले जाए, वो वाला रास्ता भी अच्छा लग रहा है, वाह वहाँ से आप ऊपर नहीं चढ़ पाएंगी। तो सब लोगों को ये लग रहा है कि ये नई नवेली दुल्हन है, हनीमून पे आए हुए हैं, और ऊपर से सब मुझे देख रहे हैं, मतलब हम रील बनाए और सब देखे ना तो थोड़ा सा अजीब लगता है, इधर उधर नहीं देख रहे, मुझे ही देखे जा रहे हैं। यूट्यूब फैमिली अभी हम ये स्ट्रगल करके नीचे जा रहे हैं क्योंकि सब लोग जमा हो गए, सब लोगों को यही लग रहा है कि दुल्हन दुल्हा दुल्हन आए हुए हैं, तो हाथ देना मुझे, हाथ देना, हाथ देना भाई, बस अभी यहाँ पर रील बना दो प्लीज मुस्तफा, वहाँ सब जमा हो रहे हैं, मैं एक रील बनाऊंगा। ठीक है, घने जंगल के बीच में आ गए हैं और सब ऊपर रह गए, अब कोई भी नहीं दिख रहा, जाओ पीछे पीछे, ये भी आ गई, आए तो ये कोई आने का रास्ता तो देखो, आ गई अपना स्लाइड बनाकर, बस अब तो चलो। तो यहाँ पे इतनी मुश्किल से रील्स बनाई है ना, मेरे हस्बैंड बिल्कुल सीरियस खड़े हो जाते हैं, तो उनको कहती हूँ थोड़ा स्माइल करो, और रील्स उनको बिल्कुल भी नहीं आती, और
देखो आप सब देखना कमेंट में बताना, बड़ी मुश्किल से बनी है, कोई 8-10 हमने डिलीट की होंगी। मुस्तफ़ा भाग गया, फिर हमने तैयबा को बुलाया तो बन तो गई है, लेकिन बड़ी मुश्किल से एक बनी, इतनी खास नहीं बनी, नॉर्मली बनी है, क्योंकि हंसी आ रही थी मेरे हस्बैंड को, या कभी सीरियस खड़े हो जाते थे तो थक गए। अभी ऊपर चलते हैं। हेलो, कैसे हो? ठीक हो? मुस्तफ़ा हो ना, इधर ही घूम रहे हो अभी? कैसे हो? ठीक हो? हम अभी हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं अभी? इधर हैं, इधर ही। हाँ, आप लोग हम जाएंगे। कल जाओगे? जो बना रहे थे नीचे, आप एंजॉय कर रहे थे? अच्छी जगह थी। हाँ, बस वो नीचे लोग ज्यादा नहीं थे ना, यहाँ पे सब देख रहे थे कि शायद नहीं दुल्हन है, तो इस वजह से उधर चले गए। कप, 4 कप मैंने बोले हैं, और अभी हम जा रहे हैं वहाँ आई लव शुगरान, वहाँ पर जो है ना एक पिक्चर ले लेते हैं, हर कोई वहाँ पे अपनी पिक्चर लेता है। तो YouTube फैमिली, अभी हम आई लव शुगरान के पास अच्छी सी अपनी पिक्चर की। पूरा आ रहा है? हाँ सही है, पूरा नहीं आ रहा। मेरे साथ पूरा आ रहा है? नहीं आ रहा। नहीं नहीं, आपके साथ सही है। बनाओ फिर। बाजो, बस हो गई, बाय बाय, आ जाओ। तो यहाँ पे बच्चों की भी हो गई, बस मुस्तफ़ा ने क्लिक नहीं करवाई। तैयबा और आयत तो हर जगह आ जाती है, मुस्तफ़ा ने। बस अभी पहुंच गए, अभी फिर से शहद लेकर आ गए, कल भी हमने शहद लिया, वो इधर ही बेच रहे थे। हाँ, अखरोट के दरख्त से काटते हैं। अखरोट के दरख्त की है ये? हेलो, कैसी है? खालिस शहद है, जंगल से उतार के लिए। अखरोट के दरख्त है ये, वो लिया था ना कल, अंजीर का आज अखरोट डाले। जो दरख्त से काटते हैं वो कुदरती होता है। पहाड़ी है जी, पहाड़ी शहद ले रहे हैं क्या, जो कि हमें कराची में तो नहीं मिलता, वहाँ पे कराची में भी यही से ले जाते हैं क्या? हम भेजते हैं ना, नंबर भेजते हैं का लेगा। हाँ, कितने की दोगे? 1000 रुपए बाजी। ये किलो की बोतल है? किलो की है, वैसे तो 1200 का बेचता है। आपने भाई साहब ने बोला है, काल लिया है आपने भी बोला? हमने एक पहले लिया हुआ है, लेकिन ये आज बाल्टी में थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा था। जंगल से काटता है ना, दिखा दो जरा। जंगल का असली शहद जो है ना हमने ले लिए, अखरोट का। पहले हमने अंजीर की एक बोतल ली थी 1 किलो की, आज हमने अखरोट की ली है। तो अब देखो वहाँ पे, घर पे जाके इस्तेमाल करेंगे कराची में, लेकिन टेस्ट किया है, टेस्ट में भी अच्छा है ना, टेस्ट में बहुत अच्छा है। मैं जिम जाती हूँ और डेली मुझे ना 1 चम्मच जो है ना चाहिए होता है गर्म पानी में, तो अब असली शहद हम इस्तेमाल करेंगे। सदर में भेजते हो? अच्छा चलो, नंबर ले लो, सदर वाले आप बदली कर लेंगे। हाँ, वो सदर वाले हमें असली नहीं देखे। आप लोगों को यहाँ पे रहना ज्यादा अच्छा लगता है या शहरों में? इधर रहते हैं भाजी, शहरों में हम गरीब आदमी किधर रहते हैं। इधर मकामी है तुम? मकामी सिरी का है। सिरी पाए तब तो ऊपर गाड़ी पे आते हो? नहीं, पैदल आई साहब, मैं सिरी तो आया पैदल वापस जा रहा हूँ। शॉर्टकट जाते हैं? नहीं सर, अभी आटा ही लेके जाएगा, सौदा भी सब कुछ, सौदा मौदा लेके उठा के जाएगा। शाम तक पैदल जाता है रोज। इधर से कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर है इधर, शॉर्टकट जाता है, साहब को मालूम हो गया। मोटर नहीं होते? मोटर किधर होता है? तुम्हारे स्कूल तो नहीं जाते? मदरसे जाने उधर है, मदरसा एक कुड़ी है वो पढ़ा दी है बड़े अरसे, तो ऊपर स्कूल है, ऊपर बना मदरसा। हाँ मदरसे। वो कह रहा था कि सितारा बेटा माखी अच्छा लाए। उसने कहा चाचू ने कहा क्या? इसने कहा बेटा माखी अच्छा लाए। असल ने कहा, कहते अच्छा लाए बेटा। अम्मी चाचू की बातें बहुत पकड़ती है, चलो इस बहाने हंस तो लेते हैं। चलती ऐसी ऐसी आपको कहीं नहीं है। तो चाचू असल को बोल रहे अच्छा। प्यारी लग रही है कैब, आप तो ले लो कुछ। आ जाओ, आपकी जैकेट लेते हैं, आ जाओ, इसकी टोपी है, आ जाओ। कैब दूं आपको? हाँ। अरे वाह, उइ तो बहुत ऊपर जाती है मुस्तफा को, इतना बड़ा ग्राउंड जो मिल गया है। नहीं आ रहा, बच्चे जो है ना घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे। यहाँ से ठहरो, मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, कितना खूबसूरत है। मुस्तफ़ा को इतना बड़ा ग्राउंड मिल गया ना, प्रैक्टिस कर कर के फुटबॉल इसका ज्यादा अच्छा हो गया यहाँ 1-2 दिन में। वो रस्ते से ना आज वाला बहुत अच्छा लगा, आज वाला। हाँ, वो अम्मी थोड़ा शॉर्ट था ना, मैं भी असल में वो शॉर्ट कपड़े नहीं पहनती ना, थोड़ा शॉर्ट था। आज वाला बहुत अच्छा, इस फेस पे भी बहुत
सूट कर गया है, अच्छा लग रहा है, नजर ना लगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सारे के सारे ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो बहुत से लोग क्या, मम्मा मुझे कह रही है कि लोग कह रहे हैं कि हमारी यूट्यूब फैमिली कह रही है कि आप ब्लॉग्स में नहीं आ रहे। तो यूट्यूब फैमिली को मैं सॉरी कहता हूँ, आप लोगों को सॉरी कहता हूँ, ब्लॉग्स में नहीं आ रहा क्योंकि मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ यहाँ पर हर वक्त। तो बस इसीलिए मैं आपको यहाँ पे सॉरी कहने आया हूँ। बाकी मम्मा वाले पीछे हैं। यहाँ से हम जैसे ही गुजर रहे हैं, किसी को भी बुकिंग करानी है तो देखो यहाँ से बुकिंग आप करा लो, क्योंकि जैसे आप यहाँ पर आओगे फ़ौरन से आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे रूम। मिलते हैं वैसे, यहाँ पर रिजॉर्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अच्छा है, बुकिंग वाले सही होते हैं। बच्चे अभी तक नहीं थके, अभी थोड़ा सा चल के आओ तो आगे और पार्क आ जाता है, वहाँ पे शुरू हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे खेलने के लिए ये सारा दिन इधर झूलते हैं, दूसरे पार्क में जाते हैं। यहाँ पर तकरीबन 2-3 तो मैंने देखे हैं। इतने खूबसूरत, इतने प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं। और थक हार के वापस आ गए हम अपने रूम में। और सो रहा है? अभी तक सो रहा है। इसकी तो नींद ही पूरी नहीं हो रही जब से ये यहाँ आया है। माँ ने अपना फ्यूचर का डिसाइड कर रखा है क्या, या सोते सोते यही फ्यूचर को डिसाइड करता है मेरी अपनी औलाद क्या होगी? औलाद को मैं अच्छे से अच्छा पढ़ाऊंगा और फिर बड़ा बिजनेसमैन बनवाऊंगा चिकन का, जो कि मुझे चिकन खिलाएंगे दिन रात और मैं सोता रहूंगा। बस अभी बहुत सारी पिक्चर वीडियोस बहुत सारी हो गई और इंस्टाग्राम पर आपने जरूर देखना है। मैं जाती हूँ अपना सूट भी चेंज करती हूँ, खूबसूरत सा। अम्मी ने भी मेरे सूट की बहुत ज़्यादा तारीफ की कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम निकले हैं बाहर, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मुस्तफ़ा की जैकेट छोटी हो गई, जो मैं पिछले साल वाली उसकी लाई थी, वहाँ पे तो पता नहीं था, जैसे अभी यहाँ पर आए हैं तो अब वो पहन ही नहीं रहा, कि मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने किसी की पहनी हो। तो ये देखो ये यहाँ पर है बाज़ार, अभी इधर ही आए इसकी जैकेट लेने। ऐसे आई? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही आयद को गिफ्ट मिला है। ये क्या चीज़ है? ये यहाँ के ब्रेसलेट हैं, देखो इतने प्यारे प्यारे ब्रेसलेट हैं। शॉल ले लो। यहाँ आइडिया नहीं है कि जैकेट कहाँ पे मिलेंगी? नहीं रखते। यहाँ पर देखो इतना कुछ है, इतनी बड़ी शॉप है। शॉल देखो, शॉल की वैरायटी देखो, इतना ज्यादा शॉल है लेकिन जैकेट नहीं है। तो फिर शॉल ले लो, आदमियों वाली शॉल भी है यहाँ। प्रैंक करने के लिए, एक इसका ये वाला डिजाइन दिखा, ये भी अच्छा लग रहा है। एक ये वाला, ये कैसे आएगा? यस है, यही वाला दे दो। मेरे हस्बैंड को यहाँ पे चाकू पसंद आ गया, मुझे ये नेकलेस पसंद आ गया, आए थे मुस्तफ़ा के लिए। हदायत को तैबा को सांप भी चूड़ियाँ हैं यहाँ पर, लकड़ी बहुत ज़्यादा आम है ना, तो देखो पहाड़ों में लकड़ी की चूड़ियाँ बनाई हुई हैं। यहाँ पे बास्केट भी आपको प्लास्टिक की नहीं लकड़ी की दिखेंगे भी, देखो ये भी लकड़ी का ही लगा हुआ है। लकड़ी देखो यहाँ पर कितना आम है, लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा है। तो ये देखो ऊपर ये बैग भी लकड़ी के बने हुए हैं, ये तस्बीह है लकड़ी की बनी, इतनी बड़ी थी। और साथ में घड़ियां भी देखो लकड़ी की, ये भी लकड़ी का। तो ये कितना प्यारा है ना। पर जैकेट तो कहीं पे भी नहीं मिला, तो हम लड़कों वाली जो है ना शॉल ही देख रहे हैं। ये वाला ठीक है, सही है। तो मुस्तफ़ा ने अपनी मर्जी से ये वाला कलर पसंद किए। चीते वाली भी हाँ, ब्लैक ठीक है। हम गए थक, अभी हमारी और हिम्मत नहीं है यहाँ पर चलने की। आप यहाँ पर ये जो स्पेशल चिकन सजी है ना, एक ये एक बारबेक्यू हो गया। यहाँ पर सामने खाना मिलेगा और इस पर टाइम लगेगा, तो हम जा रहे हैं ठीक है। इनको ठंड लग रही है। तो यहाँ पर आ गया है हमारा खाना। सबसे ज्यादा तो मुझे ये रायता बहुत अच्छा आ गई, पूरी की पूरी ऐसे बना के रखते हैं। कोयले पे ग्रिल हुई हुई यहाँ की मशहूर जो है ना मछली, जिसका पूंछ अभी पूरा नहीं दिख रहा। अभी यहाँ पर आए, यहाँ की मशहूर जो फिश है जरूर खा के जाएगा, ट्रॉट इसका नाम है। साथ में रायता हो गया, टिक्का हो गया और चिकन कढ़ाई हो गई, साथ में सिज्जी भी है। और बस अभी मैंने कहा अम्मी यहाँ पर एक साथ बैठ के खाते हैं, ट्राई करो रायता जो है ना इतना मजेदार बना हो। चलो अभी बिस्मिल्लाह करते हैं, मोबाइल को साइड पे रखते हैं, खाना खाते हैं और खाने के बाद फिर मैं आपसे मिलूं। कैसा हमें सही बना हुआ? अच्छी, अच्छी बनी हुई।